ଏହାକୁ ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମହିଳା କଥକର କୃଷରାସ ଓ ଓଡ଼ିଶୀର ଚକ୍ରଭ୍ୟ। କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ 2020ର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଯୋଜନାବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କଥକର କୃଷରାସ ଓ ଓଡ଼ିଶୀର ଚକ୍ରଭ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ନୃତ୍ୟକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଝୁମିଥିଲେ। बहुत ही अनोखा एक कंपोजिशन है और उसके बाद हमने कथक नृत्य की जो खासियत है वो हमने प्रेजेंट की, प्रस्तुत की, जो कि द्रुत तीन ताल और चार ताल की सवारी 11 मात्रा इन दोनों में आधारित है। इसके बाद सभी ने एक साथ कोणार्क की इस बहुत ही पवित्र मंच में हमने दिवाकर स्तोत्र की प्रस्तुति की। इस साल बाद लौट रहा हूँ, 95 में आया था गुरु जी के साथ श्रीमती रानी करना, मैं तब स्टूडेंट था। तो अब 25 साल बाद अपने ग्रुप के साथ लौट के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हमने ट्रेडिशनल कथक से ही कुछ पीसेस कॉम्पोजिशंस हमने प्रेजेंट किया। और कोणार्क फेस्टिवल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेल नोन फेस्टिवल है हमारे देश में, बहुत सालों से चल रहा है। तो यहाँ आना, यहाँ नाचना एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने महीनों के बाद हम निकल के आए हैं, घर के अंदर ही थे, कहीं जाने पाते आने पाते, ऐसे अरेंजमेंट होगा करके सोचा नहीं था। जब आए यहाँ पे ये डेकोरेशन देख के हम लोग मुग्ध हो गए, ब्यूटीफुल डेकोरेशन। और उससे ज्यादा अच्छा लगा अंदर जाके जो डांस देखा, फर्स्ट तो कथक था उसके बाद ओडिसी। ऐसे में के बहुत फंक्शन में हम जाते हैं तो देखते हैं कि ओडिसी इतना मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन आज देखा इतना बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर।